Now coming to question number 3. Find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. जो 100 और 169 numbers हैं, इनका हमें square root find करना है repeated subtraction method से. जब भी हमें square root निकालना हो repeated subtraction method से, तो हमेशा इसमें odd numbers को minus करते हैं. जैसे हमारा number है 100, और हमें ये तब तक माइनस करना है जब तक हमारा जीरो ना आ जाए. सो 100 माइनस 1 इक्वल्स टू 99. देन 99 माइनस 3, हमें कौन से नंबर्स लेने हैं? ऑड नंबर्स लेने हैं. तो 99 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 96. देन 96 माइनस 5, 91. देन 91 माइनस 7, 84. Then 84 minus 9, 75. Then 75 minus 11, 64. 64 minus 13, 51. 51 minus 15, 36. Then 36 minus 17, 19. And 19 minus 19 equals to 0. तो आप ये देखिए कितने steps में हुआ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So therefore हंड्रेड का रूट क्या हो जाएगा? 10. ऐसे ही अब हम 169 का निकाल लेते हैं. सो 169 माइनस 1, दैट इज 168. 168 माइनस 3, दैट इज 165. 165 माइनस 5, दैट इज 160. 160 minus 7, 153. 153 minus 9, 144. 144 minus 11, 133. 133 minus 13, so 120. 120 minus 15, 105. 105 minus 17, तो आ जाएगा 88. Then 88 minus 19, तो हमारा आ जाएगा 69. Then 69 minus 21, तो हमारा आ जाएगा 48. Then 48 minus 23, तो बचेगा 25. Then 25 minus 25, तो आ जाएगा 0. Therefore 169 का रूट होगा कितने स्टेप्स में हुआ ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. तो 169 का रूट हो जाएगा 13.